अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस दुनिया में परिंदों की कई ऐसी इकसाम हैं जिनके बारे में हमने ना तो सुना है और ना ही इन्हें कभी देखा है। परिंदों की ये नस्लें दिखने में इतनी खूबसूरत हैं कि इन्हें देखने से ही दिल खुश हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे परिंदे दिखाएंगे जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, न्यूजीलैंड के जंगलों में वैसे तो कई सारे परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन ककापो नाम के इस परिंदे की बात ही कुछ अलग है। ये परिंदा दिखने में बहुत ही बड़ा और भारी भरकम दिखाई देता है और इसका चेहरा उल्लू जैसा दिखाई देता है और इसका रंग तोते जैसा है। इसकी एक खास बात यह है कि ये परिंदा उड़ नहीं सकता, इसलिए जब इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये फुतक फुतक कर जाता है और इसी वजह से दोस्तों इसका शिकार बहुत होता है क्योंकि ये उड़ नहीं पाता। दोस्तों, अब मिलिए इस परिंदे से जिसका नाम है जूनियन ग्रैबी। ये परिंदा भी काफी नायाब है। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ 205 ही बची है और ये एक जूनियन नाम की लेक में ही पाए जाते हैं। इनके जिस्म का रंग काला और सफेद होता है। ये परिंदे दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं कि कोई भी इन्हें देख कर इनका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाला ये सुपर लाइव बर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में से एक है। इस परिंदे के अंदर तीन खासियत हैं। एक तो इसकी लंबी पूंछ जो कि अलग अलग रंगों से भरी हुई है, और दूसरा कि ये परिंदा नकल उतारने में माहिर होता है, और तीसरी खासियत यह है कि दोस्तों ये परिंदा गाना भी गा सकता है। लेकिन इनके ये गाना गाने की खासियत इनके लिए अक्सर इनकी जान का खतरा बन जाती है, क्योंकि गाना गाने की वजह से शिकारी इनके पास जल्दी पहुंच जाता है और इसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, तस्मानिया के जंगलों में पाया जाने वाला ऑरेंज बेलीड पैरट भी दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में से एक है। ये तोते की एक नस्ल है जो कि काफी नायाब है। ये तोता हरे, नीले और ऑरेंज रंग का होता है। इसकी छाती के ठीक नीचे एक ऑरेंज रंग का धब्बा है, इसी वजह से इसे ऑरेंज बेलीड पैरट कहा जाता है। दोस्तों, न्यू गिनी में पाया जाने वाला सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज भी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती से भरा हुआ परिंदा है। वैसे तो दिखने में ये परिंदा पूरी तरह काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन इनकी गर्दन के ठीक नीचे एक चमकीले रंग की पट्टी होती है। ऐसा सिर्फ मेल में ही होता है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डांस करते हैं। डांस करते वक्त ये परिंदे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में पाया जाने वाला द ग्रेट सीज क्रॉस परिंदा भी दुनिया के सबसे अलग परिंदों में से एक है। इस परिंदे को सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई छोटा सा जानवर है, लेकिन ये जानवर नहीं परिंदा है। इसकी पूंछ में बड़े बड़े कांटे निकले होते हैं और ये परिंदा हल्के भूरे रंग का होता है, और साथ ही इसके गले के निचले हिस्से में गुब्बारे जैसा कुछ बना होता है। दोस्तों, क्रिसमस आयरलैंड फ्रिगेट बर्ड दुनिया के सबसे अनोखे परिंदों में से एक है। इन परिंदों के नर और मादा में दो बड़े फर्क होते हैं। मादा परिंदे के सामने का हिस्सा सफेद रंग का होता है, और जबकि इनके मिलने का मौसम आता है तो नर मादा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने गले के नीचे वाले लाल हिस्से में काफी ज्यादा हवा भरकर इसे गुब्बारे की तरह फुला लेता है, जिसे देखकर मादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, न्यू गिनी में पाया जाने वाला विक्टोरिया क्राउन पिगन भी बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। इस परिंदे का ऐसा नाम क्यों है आप इसको देखकर समझ ही गए होंगे। इसके सर पर बिल्कुल विक्टोरिया क्वीन जैसा क्राउन बना हुआ है, इसी वजह से इसे ये नाम दिया गया है। कबूतरों की नस्लों में ये सबसे खूबसूरत नस्ल है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोर की। दोस्तों, आमतौर पर तो ज्यादातर नीले रंग के ही मोर होते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट के कई इलाकों में हरे रंग के भी मोर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सफेद रंग के भी मोर काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो ये काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके खूबसूरत परों की डिमांड की वजह से लोग इसका शिकार करते हैं। इसी वजह से इनकी तादाद दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्रेटरी बर्ड की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अनोखे परिंदों में इसका नाम शामिल है। ये परिंदा काफी अनोखा दिखाई देता है। ये थोड़ा बाज और थोड़ा सांस के जैसा दिखाई देता है। ये एक शिकारी परिंदा है और इतना खतरनाक शिकारी के किंग कोबरा जैसे सांपों को भी आराम से मार सकता है, इसलिए इस परिंदे को किलर किंग के नाम से भी पहचाना जाता है। इस परिंदे के पैर बाकी परिंदों के मुकाबले में काफी लंबे होते हैं। इस परिंदे का रंग हल्का भूरा और सफेद होता है और ये दिखने में काफी डरावने भी लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।